Today, we just had an overview of what was the evolution of human beings. यानी कि human beings जो है जो हमने पहले भी बोला था, this is few of the religions believe कि जो God है उन्होंने directly create कर दिया था. It is believed कि God ने directly human beings को create किया था, but now because we people do so many researches and we know by the fact कि actually में बहुत ज़्यादा evolve होके finally हुए थे. तो हमने कल पूरा किया था primates, hominids, homonids और इसके बाद australopithecus, होमो और होमो के होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस फाइनली. ये हमने सारा कल कर लिया था. तो टुडे वी विल प्रोसीड एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दी चैप्टर सो दैट द होल डिवीजन ऑफ द क्लास इज डन. ओके, नाउ वन थिंग आई थिंक दैट वी शुड हैव दैट वी शुड डू अलोंग विद द थिंग्स दैट वी डिड यस्टरडे कि जो ये माना जाता है कि हाउ डिड दीज एनिमल हाउ डिड दीज अर्ली ह्यूमन बींग्स स्प्रेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ऐसा कुछ हिस्टोरियन जो है वो बिलीव करते हैं कि सिर्फ वो जो है उनका ओरिजिनेट अफ्रीका में हुआ था और फिर उसके बाद वो अफ्रीका से स्प्रेड हो गए थे एशिया में और यूरोप में. जबकि देयर इज वन मोर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन हु बिलीव दैट ऐसा नहीं हुआ था मोर और लेस एट द सेम टाइम. मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है ये सारी जगह पे एक साथ ओरिजिनेट हुए थे जो दैट इज अफ्रीका एशिया एंड यूरोप. बट और ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हमारा पॉइंट क्यों है, हम ये क्यों मानते हैं. वो बोलते हैं कि जितने भी हमें ये स्केलेटन्स और जितने भी फोसिल्स मिले हैं उससे अपने को लगता है कि सारे जितने भी ये होमो सेपियंस थे इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी. दैट मीन्स ये लोग एक ही जगह ओरिजिनेट हुए वहां से स्प्रेड हुआ. Whereas, ये जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल वाले हैं ये बिलीव करते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटीज भी है. इसका मतलब ये है कि ये लोग अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट हुए थे. दिस इज एक्चुअली देखो हिस्ट्री यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज ऑलवेज मोर स्कोप टू लुक इनटू मोर ऑफ द फैक्टर्स. लाइक इफ यू पीपल लेटर ऑन बिकम सम हिस्टोरियंस और या आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे तो तुम खुद इसमें हो सकता है एक नई चीज ऐड कर दो. बिकॉज ये वो वाला टाइम है एज वी डिड यस्टरडे कि अपने पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है. अपने को सिर्फ जो सोर्सेस पता चल रहे हैं उससे अपने एक तरीके का गेस्ट वर्क कर रहे हैं थ्री रिसर्च. तो अभी एवरी थिंग दैट वी डू इन थ्री हिस्टोरिक टाइम कैन बी कंसिडर्ड एज अ गेस्ट वर्क बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रिसर्च. तो अब ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या सोर्सेज है जिससे अपने को पता चलता है कि ऐसे हुआ था क्योंकि सो मेनी लैक्स ऑफ इयर्स नीदर आई वाज प्रेजेंट नॉट यू. तो ऑब्वियसली हम सोर्सेज के थ्रू ये पता करते हैं. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स उस टाइम के लिए अपने पास है वो है फॉसिल्स. फॉसिल्स यू ऑल मे बी नोइंग कि जो अपने पुराने जो लिविंग बींग्स है या फिर मे बी कोई जो प्लांट्स है ये सारी चीजें हैं ये जो है स्टोन के अंदर दब के बहुत सालों तक एक सॉलिड फॉर्म ले लेती है और उसके बाद जो एक्सकवेटर्स है जो हिस्टोरियंस है वो उसको निकाल के फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं ये कौन से टाइम का था इस टाइम पे ये कैसी डेवलपमेंट हो सकती है एंड सो ऑन. सेकेंड सोर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. अपने को पता चलता है उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट थी. यू इमेजिन लाइक यू पीपल हैव जैसे तुम लोगों का अभी साइंस वाला एग्जीबिशन हुआ था तो सो मेनी ऑफ यू केम विद सो मेनी न्यू आइडियाज. क्या हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज को तुम ट्राई कर रहे थे. That means it gives us an indication that you have some kind of scientific mind या कुछ creative mind कि हमें कुछ करना है इससे ये add करेंगे तो ऐसे हो जाएगा वो add करेंगे तो वैसे हो जाएगा. That is what we can identify कि वो किस टाइप की tools बनाते थे उससे इनका developmental level अपने को पता चल जाए. Then we will come to face painting. Face painting से भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा. And now if I ask you to draw something. Suppose today you are very happy, so you will make a certain kind of painting जिसमें कहीं ना कहीं ना ये emotion reflect होगा. कभी बहुत उदास हो तो वैसा reflect होगा. तो या फिर suppose किसी चीज की बनानी है suppose इस table का बनाना है या फिर suppose इस board की picture बनानी है तो it is existing in front of you, that is why you are making it. इसी तरीके से हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि फेस पेंटिंग में वो जो बनाते थे उसके लिए अपने को बहुत कुछ पता चलता है रिलेटिंग टू दैट टाइम. अच्छा अब हमने किया था कल कि देयर वर लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स. फिजिकल चेंजेस एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस में हमने देखा था कि जो सेल साइज है वो बहुत बड़ा था उसका
और इसके बाद जो विथ टाइम सेल साइज छोटा हो गया, और फिर हमने देखा इनिशियली जॉज बहुत ब्रॉड थे क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स रॉ एनिमल्स रॉ चीजें खाते थे, जिसके लिए उनके जॉ जो है वो ब्रॉड होने चाहिए बिकॉज वो पीछे की तरफ उसको जाते हुए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनके फूड ईटिंग हैबिट्स चेंज हुए, उनके जॉज चेंज हुए, और वी कैन से एक तरीके से रिफाइंड स्ट्रक्चर आ गया था, ह्यूमन बींग्स का वेरी वेरी रिफाइंड स्ट्रक्चर। और ये जो है इसमें फूड प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इनिशियली हाउ डिड दे गेट द फूड, ऐसे तो है नहीं कि जैसे अपने तो अभी ग्रॉसरी स्टोर है वहां जाके लेके आ गए, और ऑब्वियसली उनसे तो डील नहीं करती थी फूड आइटम, बिकॉज ना उनसे तो प्रॉपरली कुकिंग आती थी ना उनके पास चीजें अवेलेबल थी। तो वो क्या करते थे, इधर वो गैदरिंग करते थे। गैदरिंग क्या होता है, कहीं से कोई खाना इकट्ठा करना, यहाँ से कुछ इकट्ठा कर लिया, वहां से कुछ, कहीं से फ्रूट कर ली, कहीं से बेरीज कर ली, कुछ वेजिटेबल्स कर लिए। तो फर्स्ट ये भी सपोज कि वो ऑब्वियसली गैदरिंग करते होंगे। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग। चैलेंजिंग क्या होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि जो मरे हुए एनिमल्स है उनको वो ले जाके डेली ईटे। समटाइम्स ऐसा भी होता था किसी और एनिमल ने किसी दूसरे स्मॉल एनिमल को किल करके उसका ही हैज एक्चुअली ऑल्सो ईटन सम पार्ट ऑफ दैट एनिमल। फिर जो लेफ्ट ओवर है उसको भी वो लोग कंज्यूम कर लेते, बिकॉज एट दैट टाइम समवॉट दे वर एनिमल्स के लिए टोटली डेवलप नहीं हुए थे, हम एकदम इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं। Then started hunting. Hunting हम बोलेंगे एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोसेस मान सकते हैं, बिकॉज इसमें ब्रेन डेवलपमेंट हुई है। धीरे धीरे ये हम देखेंगे कि हंटिंग के लिए उन्होंने नई नई टेक्निक नई टेक्निक नए 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 टूल्स बनाए। तो ऑब्वियसली वेन दे आर वॉन्टिंग टू मेक न्यू टूल्स, ऑब्वियसली दे आर यूजिंग देयर ब्रेन देयर हैंड, पूरा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा था जिसके कारण ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही थी। स्पेसिफिकली अगर अपने बोले तो उनकी माइंड की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रही थी आफ्टर कमिंग ऑफ द हंटिंग। अच्छा, वी हैव ऑल्सो गॉट द एविडेंस ऑफ फिश बोन। अब दे यूज्ड टू लिव इन केव्स। अगर इफ आई हैव फाउंड सम फिश बोन्स इन केव्स, इसका मतलब वहां तक कैसे पहुंची है, वेरी ऑब्वियस उनको फिशिंग आ गई थी और वो फिशेज को लेके जाते थे केव में, और केव में जाके वो उसको मेरी से लेते नहीं या तभी भी कंज्यूम करते थे तो उसके बोन्स रह गए थे। So that means धीरे धीरे they were moving on to becoming more developed, और सारी नई नई skills जो है वो learn कर रहे थे। Then starting of residence, obviously सारी चीजें change हो रही है तो जिस तरीके से रहते थे वो भी change होगा। Initially obviously वो लोग कहाँ रहते थे, किस trees पे रहते थे, वहीं पे ज्यादातर वहीं से consume करते थे और कहीं भी सो जाते थे। नॉट अ वेल डिफाइंड पैटर्न थे कि दे वर ऑलमोस्ट इक्वल टू एनिमल्स। उसके बाद अपने आ जाते हैं, धीरे धीरे उन लोगों ने केव में ओपन एयर में रहने लग गए। एंड हाउ डू वी नो, अगेन वी विल नो थ्रू वेरियस सोर्सेज इटसेल्फ। देन मूविंग ऑन, देयर आर मेनी एविडेंसेस दैट वी कैन अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द कि ये जो पैटर्न था ये कैसे था। अगर आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो केज में रहते थे, यू मे आस्क मी मैम हाउ डू यू नो, आपके पास क्या एविडेंस है, आप कैसे बोल सकते कि कमी नहीं हो गई टूल, क्या हाउ डू यू शो, हाउ कैन यू शो केज पे कि भाई यहीं पे है ना ये लोग रहते थे, या फिर उन लोगों ने फूड भी बनाने लग गए थे लार्ज नंबर में, तो मैम आप कैसे बोल सकते हो कि भाई यहीं पे वो लोग रहते थे और यहीं पे वो लोग फूड बनाते थे। We have again got lot of proof for that. Up again and again, I'm just wanting to tell you कि ऐसे history पे मत देखना कि वही दखना है। Understand? जैसे suppose अपने एक example लेते हैं, we have a factory जहाँ पे suppose कोई machinery बनती है। Now suppose कोई ऐसी natural calamity आ गई, कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ का destruction हो गया। बहुत सालों बाद after thousands of years कोई और नेक्स्ट जनरेशन ने उसको एक्सकवेट किया। अब जब उन्होंने एक्सकवेट किया तो वो उस साइट पे देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे स्क्रू है, बहुत सारे नट्स है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है, तो इससे अपने क्या आइडिया लगाएंगे कि ये जरूर वो एरिया जहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें बनती थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उनके टूल्स बनाने की बहुत सारी तकनीक थी, तो जहाँ पे वो टूल्स और उसके वेस्ट मटीरियल बहुत लार्ज नंबर में मिलते हैं, these are the areas where we say कि ये इनकी factory sites थे। When I say factory sites,
फैक्ट्री साइज का मतलब ये नहीं है कि जैसे अपनी बड़ी मॉडर्न फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लॉट ऑफ मशीनरी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो फैक्ट्री क्योंकि वो लार्ज नंबर में टूल्स बनाते थे। नाउ व्हेन आई से कि वो लोग टूल्स बनाते थे, अगेन यू कैन आस्क मी, आप कैसे बोल सकते हो वहाँ टूल्स बनाते थे और किस टाइप के टूल्स बनाते थे? दे आई एम जस्ट टेलिंग यू टू टेक्निक कि वो कैसे टूल्स बनाते थे। सपोज दे हैव टेकन वन स्टोन जिससे उसको टूल बनाना है और दूसरे स्टोन से उसको स्ट्राइक करते, तो उसके फ्लेक्स यानी उसके जो टुकड़े नीचे गिर जाते थे और जो स्टोन टूल है वो बहुत शार्प बन जाता था, जिसको वो बाद में यूज करते थे लेटर टू किल एनिमल्स। तो इसको बोलते थे स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। उसके बाद होती थी ये एक और टेक्निक जिसमें वो स्टोन रख के उसके ऊपर हैमर रखते हैं और फिर उसके ऊपर एक और स्टोन से स्ट्राइक करते हैं। जैसे यू मस्ट हैव सीन जो स्कल्पचर्स बनाते हैं ना, वो एक बड़ा सा स्टोन लेते हैं और फिर एक और हाथ में इंस्ट्रूमेंट करके उसके बाद एक और स्टोन या मे बी हैमर से मारते हैं ताकि डिजायर्ड शेप आ जाए। तो ये उनकी टेक्निक थी। अब ये जो उनकी टेक्निक थी, इन टेक्निक में अपने ये देखेंगे कि जो साइड के या फिर अनडिजायर्ड या जैसे उनको टूल्स चाहिए थे अगर वैसे नहीं बन रहे थे तो वो लोग वहीं पर डंप कर रहे थे। तो अपने पास कुछ एरियाज के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा नंबर में अपने को वेस्ट टूल्स, एंड अलोंग विद वेस्ट टूल्स वी हैव आल्सो गॉट लॉट ऑफ एविडेंसेस ऑफ टूल्स और जो टूल्स बनाते टाइम जो वेस्ट मटीरियल गिरते हैं उधर उधर, दैट वी हैव गॉट। तो इससे अपने क्लियरली एक फुल प्रूफ डेट वर्क कर सकते हैं कि ये इनका क्या था, फैक्ट्री साइड थी। देन अलॉन्ग विद डैट अब ये भी बोल सकते हो, ठीक है मैम अपना फैक्ट्री साइड बोल दिया, आप कैसे बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में या यहाँ पे ही ये लोग रहते थे? तो वी हैव सीन इन फ्यू ऑफ द केस रिमेन्स ऑफ लॉट ऑफ फूड आइटम्स। अब जब मैं फूड आइटम्स की बात करूँ तो अपने अपने फूड आइटम्स कहाँ स्टोर करते हैं? अपने घर पर करते हैं। तो सिमिलरली वो फूड फिशेज और बर्ड के एग, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें जो है ये लोग रखते थे एट इन पर्टिकुलर केस, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे रहते थे। इसके अलावा वो लोग घर के आसपास बाकी चीजें भी रखते, घर के अंदर बेसिकली वो साइड पे वो रखते थे जिससे कि वो फायर जला सके। इसके अलावा वो लोग कुछ जो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनाते थे, जिससे कि अपने क्लियरली ये वी कैन क्लियरली से that these people used to live in this particular area. तभी अपने को पैटर्न पता चला है कि पहले तो एविडेंस प्राइमेट के या फिर होमोनाइड के इतने अपने पास एविडेंसेज नहीं है कि ये लोग जो है ये केज में रहते थे, पहले चीज पे रहते थे, फिर ओपन एयर में रहने लग गए, देन दे स्टार्टेड लिविंग इन द केज। और आगे के डेवलपमेंट में भी छोटे मोटे घर भी बनाने लगे, ठीक है। Now along with that, now अब जब हमने बात की थी, as I told you कि जो okay, till this much is anyone having doubt, please raise your hand. No doubt? Okay, चलो moving on then. अब जब मैं I was talking about fire. फायर का अगेन वी डोंट हैव अ प्रूफ, एज आई टोल्ड यू मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही हुआ होगा कि कोइंसिडेंटली दो पत्थर स्ट्राइक किए होंगे, इसमें से एक सांस निकली होगी एंड लेटर ऑन दे मस्ट हैव रियलाइज कि बहुत अच्छी चीज है, इसे एनिमल्स को डरा सकते हैं, इससे रात को बिकॉज रात इज आइस एज, रात को इसे गर्म रख सकते हैं केव में और इससे चीजों को थोड़ा सा कुक कर सकते हैं, लाइट भी आती है इससे। Again, cooking is also, you obviously it must have happened through some accident, because if an animal is eating, then you cook it and then when they must have consumed it, then they laga hoga this is better for them to eat and consume. After that, they also used to harden the food. What that kya hota hai, food stone tools ya inko fire se agar use kare to they become very sharp and it becomes very very easier to kill such animals through these tools. So that means fire again was a very big advantage for them and they then proceeded to the next development. अब ये जो tools है ये किस type के tools बनाते थे? सबसे पहले तो इट इज यू कैन से द हिस्टोरियंस हैव प्रूव दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर द वन जिन्होंने tools बनाए थे।
नाउ टूल्स में क्या क्या बनाने लग गए थे, पहले से स्टोन टूल्स थे, फिर स्टेयर्स बनाने लग गए। मैं बार बार क्या रिपीट करूँ, देखो एक्सपीरियंस टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू आर एनी गुड इन एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब जैसे मेनी ऑफ यू आर वेरी गुड एट आर्ट पेंटिंग, तो अपनी गलतियों से यू विल लर्न एंड यू विल डेवलप। इस बार मैंने ऐसा बनाया था सम, पर इस बार इसमें थोड़ी ये शेडिंग कर दी तो ये बेटर है, इसी टाइम से थोड़े मैं ऐसे एक्सप्रेशन डालूंगी तो दिस विल लुक बेटर। तो दे वर ऑल्सो लर्निंग बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस। पहले नॉर्मल स्टोन टूल बनाई, फिर उसके पीछे वुड का लॉग अटैच करके घेरा, तो देखा इट इज वेरी इजी, दोस्त सभी इसको घेर के एनिमल को हम लोग हंट कर सकते हैं। स्पेयर्स बनाए, एरोज बनाए, उसके बाद उन्होंने टूल से एंग्रेविंग शुरू कर दी, दैट मीन्स दे वर डेवलपिंग। एंड व्हेन आई से दे वर डेवलपिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्रेन वॉज इम्प्रूविंग एंड द यूज ऑफ हैंड वॉज इम्प्रूव improving. सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट विच इज कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द ब्रेन साइज यही है कि पहले वो क्वाड्रेपल थे, यानी चारों जो बॉडी पार्ट, चारों उनके जो लिम्स है उनसे उनको दे यूज टू यूज इट फॉर मूवमेंट, जबकि जब धीरे धीरे प्राइमेट्स के बाद ह्यूमन के बाद जब उनके हैंड्स को प्रॉपरली हैंड्स कैसे डेवलप हुए, तो दीज हैंड्स वर फ्री, एंड व्हेन दीज वर फ्री दे स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स विद हैंड्स। But whenever you are using both your hands, it directly improves your intelligence level. If you already know, few people are engaged in some kind of using some kind of musical instrument or something. जब हम दोनों हाथ use करते हैं ना, तो both the size of our brain actually develop. So the nutshell is that everything in them was slowly and gradually developing, and they were actually now moving more faster towards the, you can say, Neolithic period, मतलब जहाँ पे अब वो farming वार्मिंग भी करना शुरू कर रही है। अभी तक उन्होंने सिर्फ ये सभी किया, gathering, scavenging, hunting and other more fishing. अब जब इतनी चीजें डेवलप हुई है तो ऑब्वियसली एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेवलप हुई है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी ऐसी चीज है जो माना जाता है सारे क्रिएचर्स में जो ह्यूमन बींग्स है उनमें ये पावर है, बाकी की जो लैंग्वेजेज है दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। और जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कैसे डेवलप हुई, सबसे पहले जो होमोनिम्स थे वो सिर्फ जेस्चर्स यूज करते थे। व्हाट डू आई मीन बाय जेस्चर, अगर अपनी अभी रियल क्लासेस चल रही होती है, मैं कोई क्वेश्चन करती तो मैं पूछती आई वुड जस्ट से लाइक दिस, मतलब दैट क्लियरली मीन स्टैंड अप एंड आंसर मी, या फिर इन बिटवीन द क्लासेस यू पास जेस्चर्स टू ईच अदर, एक स्माइल कर दी, एक मतलब इट इज ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम होमोलिथ। इसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल, इट मे अपीयर वेरी वियर्ड कि अभी उनको वर्ड्स बोलने नहीं आए थे पर वो हमिंग करने लग गए थे और वो सम टाइप्स ऑफ सॉन्ग गाने लग गए थे, मतलब ये इट इज रियली वियर्ड टू थिंक कि बोलना तो आता नहीं था, गाने कैसे लग गए। अब यू मस्ट बी नोइंग कि जिन लोगों का ना बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो है ना गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो और ये जो गुनगुनाने वाली चीज़ है इसकी वो जो स्पीच थेरेपी होती है ना उसमें भी लोगों को गाने से ही पढ़ते हैं, जैसे जो हकला के बोलते हैं ठीक से बोल नहीं पाते स्टैमरिंग, उनसे ये वाली तकनीक यूज करती है। आई सपोज कि इसमें जब हम वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो अपने जो ब्रेन जो है और ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब और ज्यादा हाई स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि अपने को पूरा सेंटेंस फ्रेम करना है ताकि कोई मीनिंग बन जाए। तो इससे पहले क्या हुआ था, हमिंग शुरू हो गई थी, द ह्यूमन बींग्स और द होमो सेपियंस नाउ स्टार्टेड हमिंग और एक अलग काइंड ऑफ वोकल साउंड्स निकालने लग गए थे, जिसके कारण फिर धीरे धीरे जब ये चीज डेवलप हुई तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते जहाँ पे वो अब वर्ड भी यूज कर सकते थे, लैंग्वेज उनको बोलनी आ गई थी। दिस वॉज अगेन अ बिग 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 बेंच मार्क इन द इवॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग। उसके बाद अपने आर्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्ट तो ऑब्वियसली वहाँ पे उस टाइम पे मेन जो आर्ट है वो अपने पेंटिंग के फॉर्म में ही है इन स्टेज। So I think you must have studied few of the examples ki Altamira mein ek bison ka picture mili thi and it is actually considered one of a very big evidence ki us time ke logon mein bhi itni skill thi ki they actually required lot of creativity to draw,
और इसने ऑलमोस्ट परफेक्शन के साथ बनाया है एंड यू विल फाइंड इट वेरी एस्टॉनिशिंग कि अभी तो अपने को कलर करना अपने पास 10 टाइप्स के पेस्टल कलर्स अवेलेबल है वाटर कलर्स दिस एंड दैट उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज थे उसमें से उन्होंने कलर्स किए थे कोई मेटल है जिसका रेड कलर निकल रहा है कोई फ्लावर है जिसका येलो कलर निकल रहा है अकॉर्डिंगली उन्होंने वो पूरा बाइसन बनाया और ये तो एक ही एग्जाम्पल था इसके अलावा वो लोग बहुत सारी चीजें बनाते थे जनरली वो लोग एनिमल्स की पेंटिंग बनाते थे लायन राइनो बेयर एंड ऑल पर है ना इसमें बहुत बार वो लोग हंटिंग का पूरा प्रोसीजर भी दिखाते थे अगेन इसके बारे में जो स्कॉलर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं जो उन्होंने सोचा इसमें मेन बात यही है कि हो सकता है या तो वो लोग मीटिंग करते हैं वहाँ पे कि देखो ऐसे प्लानिंग किए कि अपने सब लोग ऐसे इकट्ठे होंगे और ऐसे हंटिंग करेंगे वो लोग अब ग्रुप में रहने लग गए थे स्पेशली जो बड़े एनिमल्स की हंटिंग करते थे तो वो लोग ग्रुप में ही जाके अटैक करते थे और फिर बाद में शेयर कर लेते थे सो नाउ अगेन व्हाट डू आई मीन बाय दिस या तो ऐसे भी हो सकता है ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर सुपरस्टिशन ऐसे कभी हुआ हो तो इंसिडेंटली कि एक बार वो लोग पेंटिंग बना के फिर है ना हंटिंग करने गए हो तो वो सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने एक रिचुअल बना लिया हो कि हर बार है ना वो करने से पहले इस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे और मेरी भी जॉब है पेंटिंग एक और अपनी चीज जो सोच सकते हैं वो ये है कि हो सकता है वो अपनी फ्यूचर जनरेशन से ये बताना चाहते हो कि देखो हंटिंग का प्रोसीजर ये है सो अलॉन्ग विद दिस देन यू कैन से कि all these are actually more or less you can say some kind of ideas that we are creating it is not something that we can say with a lot of confidence apne abhi tak jitni bhi baatein ki hain all are just not based on facts and the sources of history I suppose if you have any problem relating to this much topic feel free to ask Okay, just a second. Okay, let me just proceed a little bit, then I'll ask, come back to you. Okay, now moving on, if you know that there are lots of hunter-gatherers who are still living here, okay? So when I say hunter-gatherers still living here, there are again few historians जो ये मानते हैं कि इनमें है ना बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी जो अपने पहले ट्राइब में या फिर होमोनिड या फिर इससे मतलब डेवलप होने के बाद जब वो हंटिंग और गैदरिंग शुरू कर दी थी उन्होंने उस टाइम के हिसाब से तो बट देन अगेन एज आई सेड देयर आर वन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस से नहीं होगी ऐसी तो जो बोल रहे हैं वो भी वो बोल रहे हैं कि मेन जो इनका what we say the main जो काम है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है हंटिंग गैदरिंग करके ही वो कर अपनी जो पूरी लिविंग है पूरी लाइफ स्टाइल जो है वो इसी तरीके से जीते हैं बट जो बोलते हैं कि नहीं देर कैन बी नो पॉसिबिलिटी क्योंकि वो बोल रहे हैं दे आर वेरी डिफरेंट अभी वाले जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो फॉरेस्ट के सामान को खरीद के बेचते हैं उनका लाइफ स्टाइल अच्छा है थोड़े वो सोशली अलग है ग्रुप उनके डेवलप्ड है वो थोड़ी और एक्टिविटीज कर सकते हैं तो हाउ कैन वी कंपेयर द हंटर गैदरर्स लिविंग अराउंड लैक्स ऑफ इयर्स बैक टू द हंटर गैदरर्स वी आर लिविंग टुडे सो अगेन एज आल्सो टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो ये चीज कंटिन्यूस चले जा रही है देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड आई सपोजेडली यू पीपल बिकम समथिंग एंड प्रूव समथिंग विद लॉट ऑफ फैक्ट्स नहीं ऐसा ही हुआ था क्योंकि ये वाला एविडेंस मुझे मिला है Okay, now okay, please look at us asking something. यहाँ पे ये बोलते हैं कि जनरली जहाँ पे फायर होती थी ना उसके आस पास ही बना सकते तो आई सपोज कि इसको वो लोग मे बी नाइट टाइम पे करते होंगे क्योंकि भाई दिन भर दे वर इंगेज इन हंटिंग एंड द अदर थिंग्स हंटिंग गैदरिंग एक्सेट्रा तो ऑब्वियसली वो इनको टाइम कब मिलेगा पेंटिंग करने का रात को करने का अब जो कुछ है उसमें आज यू सब की सीलिंग पहले भी सीलिंग थोड़ी नीचे थी आगे की सारी चीजें ऑक्यूपाई थी और फायर ऐसी जगह पे लोकेटेड थी जहाँ से वो दे यूज टू मेक इट ऑन सीलिंग
एंड देर आर मेनी मेनी इंस्टेंसेस. ऐसे भी हो सकता है कि दे हैव सर्टेन बिलीफ कि अगर हम इसको ऊपर बनाएंगे ना तो इसलिए हो सकता है ये ऑस्पिशियस हो या फिर इसका कोई ये सिग्निफिकेंस हो. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इट इज जस्ट अ यू काइंड ऑफ ट्रेजर हंट. जितना अपने उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे अपने को उतना ज्यादा उससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन मिलेगी और कंक्लूजन मिलेंगे. एंड द वन विच एक्चुअली सेटिस्फाइज यू द मोस्ट कि मेरे हिसाब से यही होना चाहिए क्योंकि ये और ये एविडेंसेस है तभी देन ओनली यू बिलीव. अदरवाइज यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग क्योंकि आप क्वेश्चन करते रहोगे यू विल ट्राई टू फाइंड मोर. कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्यों नहीं क्यों सिर्फ एनिमल्स का ही क्यों बनाते थे, प्लांट्स का क्यों नहीं बनाने लग गए थे. क्योंकि इनिशियल अब अपने आगे देखेंगे कि वो लोग कुछ कुछ ये सब जो वीट और राइस ये सब कुछ कुछ ग्रो करने लग गए थे तो इसका क्यों नहीं बनाते थे. क्योंकि मे बी इसकी जो टेक्निक है जब तक ये आएगी थोड़ा बहुत उनके ग्रेटफुल डेवलप हो जाएगा या फिर साथ में अगर सपोज फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए करें तो अपने जो जनरेशन है छोटे बच्चे उनको साथ में लेके जा रहे होंगे फार्मिंग में वेरा समथिंग में तो नहीं लेके जा सकते तो उनको फ्यूचर दिखाने के लिए वो वॉल्स को बनाते होंगे. और वॉल्स के किस सेक्शन में बना रहे हैं इसका ये हो सकता है कि कहीं पे अगर दिन में जनरली रात को बनाते तो इसलिए जनरली जहाँ पे फाइव की प्लेस है इसके आस पास बनाते होंगे कोई छत पे बनाते होंगे कोई उनका कभी कुछ बिलीफ हुआ होगा. एज आई सेड कभी कोई इंसिडेंटली छत पे बना लिया होगा उस दिन हाइट बहुत अच्छी मिली होगी इजिली मिल गई होगी तो उन्होंने सोचा होगा ऐसे ही करे. या सपोज अगर बाइसन का भी मिला वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोलेंगे कि रिलीजन डेवलप हुआ पर हो सकता है कोई सुपरस्टिशन या ऐसी कोई चीज उनकी डेवलप हुई हो कि अगर इसको छत पे बनाएंगे तो अपने आना गुड लक आएगा व्हाटएवर इट इज. तो इसको अपने क्या कर सकते हैं लॉजिक पहले ढूंढने की कोशिश करो. लॉजिक नहीं मिलते तब अपने गेस करते हैं कि फायर वाले का सबसे क्लोजेस्ट लॉजिक यही है कि वो लोग रात को बनाते होंगे. रात को बनाते हैं तो ऑब्वियसली रोशनी कहाँ से आएगी जहाँ पे आसपास फायर होगी तो अकॉर्डिंगली वो बनाते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक द क्वेश्चन इज आंसर. लास्ट पार्ट देखो अब ना जो ये अपना पूरा ह्यूमन बींग डेवलप हो गए अब अपने आगे तो तुमने वेरी यंग क्लासेस में पढ़ा होगा कि द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो जो पैलियोलिथिक है विच इज ओल्ड स्टोन एज एंड देन मीजोलिथिक मिडल स्टोन एज एंड नियोलिथिक न्यू स्टोन एज. तो पैलियोलिथिक तक अब ये डेवलप हो गए थे क्योंकि इनको स्टोन टूल्स बनाने आ गए थे. बस ये है हंटिंग वगैरह करते थे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी टोटल डेवलपमेंट नहीं हुई. टोटल डेवलपमेंट हुई थी तब नियोलिथिक पीरियड में. नियोलिथिक पीरियड को वी कैन कंसिडर अ ट्रांजिशन एज. अब नियोलिथिक पीरियड में सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई थी डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से अपना मतलब है उनको एग्रीकल्चर करना आ गया था और उनको एनिमल्स जैसे कि डॉग बियर इन सबसे अपना डोमेस्टिकेट करना आ गया था मतलब पेट जैसा बनाना आ गया था. उसके बाद उससे वो अपने मेल एंड अदर थिंग्स को ऑब्टेन कर लेते थे. अब नाउ सी व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम सो यू स्टार्ट डूइंग मोर थिंग्स. और फ्री टाइम के अलावा अगर सपोज ऐसे इमेजिन करो देयर इज वन ह्यूमन होमो सेपियन व्हिच इज हु इज अ हंटर गैदरर and then there is one person who is a neolithic person that means the person has started doing agriculture. So mujhe inki lifestyle mein kya major difference hoga I just want to know. Please raise your hand. A simple question hai like guesses koi isme hard and fast nahi hai. What is the thing that you consider ki ek hunter gatherer aur ek farmer ki life mein main difference kya ho jayega. Come on, nobody. You know, anything, not thoda to brain. Sone ka time itna hai. Subah se shaam tak hai. Isse aap free time mein dusri cheez kare, kaise kare. So now they started slowly and gradually seeing things. Pizza, needle and ye wali cheeze bhi develop ho gayi thi. So we can just shorten it up aur ye bol sakte hain ki jo neolithic man tak hum pahunche hain, ab ye aage jo hai, aage bahut zyada develop hoga aur jo proper human beings hai, us roop mein develop hoga. जो हम बोलेंगे कि जो जैसे बेसिकली अपना नेक्स्ट जो
chapter hai jisme wo writing aur cities kaise develop hogi, that is all what we study. But this is just the base, and if we say agar ye totally clear hai to aage ke jo chapters hai na wo aur clear hai. Now I have just given you a quick review. Isme bahut sare aise terms hai jo specify karte hai iska ye uska ye ya is particular place mein milega. That is what you will have to learn. One day we just create a class which will include short form or some easy way to learn karenge, ताकि you can remember those names. क्योंकि बहुत सारे difficult name है. This is the whole process that I wanted to you to understand because the chapter is already done. So now if still you have any problem, I just want you to ask me now so that from tomorrow we can start the new chapter. Okay, then we'll meet tomorrow again. I hope everything is clear. If any doubt, please ask. Okay, we'll meet tomorrow then.